क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसमें कह रहा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, हमें दो सर्किल दिए गए हैं जो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पर। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोण, हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो सेंटर्स हैं, इसका सेंटर ओ और इसका सेंटर ओ डैश, वो किस पर लाई करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब ये क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ए एम इक्वल्स टू बी एम होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये कॉमन कोण को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें ए बी इज ए कॉमन कोण ऑफ टू सर्कल, ए बी एक कॉमन कोण है दोनों सर्किल्स की। ठीक है, ओ वाले सर्किल की और ओ डैश वाले सर्किल की। हमें प्रूव करना है कि ये ओ डैश जो है वो इस कॉमन कोण को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहां पर भाई 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और ए एम इक्वल्स टू बी एम भी हमें प्रूव करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं टू प्रूव में एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या प्रूव करना है हमें, ये दोनों एंगल तो हो गए ए एम ओ और बी एम ओ, उसके बाद ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये दो चीजें हमें करनी है इसमें प्रूव। ठीक है, तो प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ से पहले एक आपको चीज क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में हमें लिख लेना है कि ओ ए और ओ बी को मिलाया है और ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी हमने ज्वाइन किया है, मतलब दोनों सर्किल्स के रेडियस को हमने कर दिया है ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन में आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में हम दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए ओ और ओ डैश। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल और बी ओ और ओ डैश नीचे वाला ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल ए सॉरी बी, यहां पर आएगा हमारा बी, बी ओ और ओ डैश। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, दोनों जो ऑरेंज हैं ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल। ठीक है, सर्किल एंड ओ डैश ए ओ डैश बी ऑल्सो इक्वल, ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी ऑल्सो इक्वल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल। ठीक है, उसके बाद ओ ओ डैश कॉमन, ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश, ये हो गई हमारी कॉमन। तो हमें तीन रीजन चाहिए हैं, हमें तीन रीजन मिल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रेंस टू बी ओ ओ डैश, ये दोनों हो गए हमारे कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस होने से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल, एंगल ये वाला और ये वाला, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल बी ओ ओ डैश इक्वल होंगे। ठीक है, इधर वाला एंगल और इधर वाला, ये हो गया हमारा एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से। तो मैं कह सकता हूं सीपीसीटी से, जो हमें यहां लिख लेता हूं इस साइड में, कि भाई एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल्स टू एंगल बी ओ ओ डैश बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये दोनों होंगे इक्वल। अब चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर। तो इस चीज को मैं कर रहा हूं रब, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, मतलब हमें इससे इन दोनों को कॉन्ग्रेंस करके प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं सीपीसीटी से जो हमने किए हैं, इनको हमें करना है प्रूव इक्वल। अब इससे हम करेंगे अपना
आगे का क्वेश्चन। तो अब हम आएंगे छोटे ट्रायंगल्स पर, एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ पर। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ और बी एम ओ में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्किल एन। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। थर्ड चीज क्या हो गई हमारी, ये एंगल, एंगल ए ओ ओ डैश मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम। ये क्यों हुए, क्योंकि एंगल ए ओ ओ और बी ओ ओ, एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल्स टू एंगल बी ओ ओ डैश इक्वल है, तो एंगल ए ओ ओ डैश को हम एंगल ए ओ एम लिख सकते हैं और एंगल बी, एंगल बी ओ ओ डैश ये वाले एंगल को हम लिख सकते हैं बी ओ एम। तो मैंने बी ओ ओ को ये लिख दिया एम। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी एम ओ, ये दोनों होते हैं हमारे कॉन्ग्रेंस, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रेंस हो गए हैं तो मैं कह सकता हूं कि ए एम और बी एम इक्वल होगा, ठीक है, इस साइड, इस साइड ट्राइंगल का ए एम और इसका बी एम, देन ए एम इक्वल्स टू बी एम। ये हो गई हमारी फर्स्ट चीज प्रूफ जो हमें यहां पर टू प्रूफ में लिखी थी। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि ए एम ओ और बी एम ओ जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां से मैं एक और चीज कह सकता हूं कि भाई एंगल ये सीपीसीटी से हुआ हमारा, और एक और चीज कर सकता हूं मैं सीपीसीटी से, वो क्या है कि एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, ये भी हो जाएगा सीपीसीटी से। अगर दोनों ट्राइंगल्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए सोल्व करेंगे कि भाई एंगल ए एम ओ प्लस में एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज ए इज अ लाइन, और किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, मतलब इसे हम कह सकते हैं ए बी इज ए लीनियर पेयर। तो एंगल ए एम ओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी एम ओ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल सॉरी ये बी एम ओ लिख देते हैं, बी एम ओ और प्लस में एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद जा रहा हूं मैं इधर, तो बी एम ओ और बी एम ओ को बी एम ओ प्लस बी एम ओ, ये हो जाएगा हमारा टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल बी एम ओ आ गया हमारा 90 डिग्री, और एंगल बी एम ओ अगर हमारा ये वाला एंगल बी एम ओ ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, तो भाई हमारा ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि बी एम ओ और ए एम ओ, ए एम ओ और बी एम ओ दोनों क्या है यहां पर इक्वल हैं, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे 90 डिग्री। तो ये भी होता है हमारा प्रूफ, ठीक है।